हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एफके स्टूडियो। जो सबसे पहले न्यूज़ हमारे पास पाकिस्तान यूट्यूब कम्युनिटी से आ रही है, वो आ रही है शामी रब्बा शाह की तरफ से। फिर जैसे कि आपको याद होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि शामी रब्बा शाह के साथ जो है क्या सीन हुआ है, उनकी सारी प्रोफाइल्स के साथ उनकी आईडी हैक हुई है या नहीं हुई है, और बाकी उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर, यूट्यूब स्टोरी पर और यूट्यूब पर अलग अलग जो है हॉरर सी वीडियोज़ डाली गई थी। तो इस बारे में जो है मैं कोई इतना कोई खास पता नहीं चल सका था, लेकिन उनकी बहन ने जो है एक थोड़ी सी वजाहत करी थी एक वीडियो अपलोड करके अपने चैनल पे। तो वो आपको वीडियो जो है मेरी पिछली मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। फिर अब जो है शामी रब्बा शाह जो है दोबारा से जो है एक्टिव हुए हैं इंस्टाग्राम पर, और साथ में उन्होंने इंस्टाग्राम पर जो है कुछ स्टोरी डाली और अपनी जो है बात क्लियर करते हुए उन्होंने स्टोरी डाली है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, सॉरी फॉर ऑल वेरी स्केरी वाइड वीडियोज़। 3 दिन पहले मुझे कुछ पता नहीं लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। होश में आने के बाद काफ़ी इंजरीज हैं मेरी बॉडी में, पर बहुत रिकवर हो गया। और कुछ भी अजीब चीज़ें पोस्ट की स्टोरीज़ वीडियोस में अपने सोशल अकाउंट्स पर, वो मैंने नहीं की, किसी और ने की है। मैं ख़ुद उन वीडियोस की रिसर्च कर रहा हूँ पिछले 2 दिन से। सब मुझे कह रहे हैं कि डेविल शैतान को मानने लगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। सो प्लीज़ वेट फॉर माई वीडियो, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। उसके साथ साथ उन्होंने जो है एक और स्टोरी डाली जिसमें वो कह रहे हैं कि वो सारी वीडियोस और पोस्ट बुलशिट फेक हैं, पता नहीं कहाँ से आ गई हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ मी, आई अपोलोजाइज फ्रॉम माय साइड। अगर मैंने लाइव वीडियो में कोई गलत हरकत की हो और किसी को भी मैं वीडियोस में पूरी तरीके से अफेक्ट की हो तो आई एम सॉरी। इसके साथ साथ उन्होंने जो है एक थोड़ी सी स्टोरीज में जो है वीडियो के तौर पर पोस्ट किया है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी आप लोगों को लेट रिप्लाई आ रहा है, तो मैं अब बेहतर हूँ काफ़ी। तो वो वीडियो मैं पोस्ट करना चाह रहा हूँ जिसमें ये शुरुआत हुई है, जहाँ से तो किसी जगह पे गया था, वहाँ पे मुझे थोड़ा मसला हो गया था, पोजेशन टाइप सीन हुआ है, तो वो रिकॉर्ड हुआ है। हाँ, तो मुझे बताएं मैं वो पोस्ट करूँ या ना करूँ। मैं डर है कि मुझे कुछ फिर ना हो जाए, मुझे मसला ना हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं, मैंने कुछ नहीं ऐसा किया अपने होश में। उसमें डर है कि लोग इसका मजाक ना रहे, मीमर्स मीम ना बनाए, मीम बना के मजाक उड़े कि मेरी सेहत, मुझे कुछ हो रहा और उसको मजाक में ले। मुझे बताएं, लेकिन वो नहीं दिखाऊंगा, लोग कहेंगे ड्रामा कर रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ यार, मुझे बताएं वीडियो पोस्ट करूँ या ना। नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ यार, मुझे बताएं वीडियो पोस्ट करूँ या ना करूँ, मुझे कोई एडवाइस दें आप सब। तो यार, आपको क्या लगता है वीडियो देखने के बाद कि ये सारा जो है क्या सीन है? उन्होंने जो है वोट कभी लगाया कि येस और नो, कि मैं वो वीडियो अपलोड करूं कि नहीं करूं? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या वजह है और क्या हुआ होगा कि ये सब जो है व्यूज़ के लिए किया जा रहा है, या सच्ची में शामी रब्बा शाह से ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि उनकी आवाज़ से तो ऐसा लग रहा है कि उनकी जो है तबीयत ज़्यादा कोई ख़राब है। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास पाकिस्तान यूट्यूब कम्युनिटी से आ रही है, वो आ रही है वकार ज़का की तरफ से। तो हम सब जानते हैं कि वकार ज़का जो है सोशल मीडिया पर नए नए एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो वो जो है एक नया शो शुरू कर रहे हैं अपने YouTube पे, जिसकी उन्होंने कुछ हिंट दी है, जैसे कि वो हिंट ये है कि वो शो जो है 5 साल के बच्चे से लेकर 50 साल तक बच्चा खेल सकता है, और उसमें जो है 50 साल का जो बंदा है वो 5 साल के बच्चे को हरा सकता है, और 5 साल का बच्चा 50 साल के बंदे को भी हरा सकता है। तो अभी तो उन्होंने थोड़ी सी हिंट्स बताई हैं, बाकी आगे का नहीं पता। तो अगर आप में से कोई और हिंट जानता है या किसी को पता लगा है कि क्या वो शो है, तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर दे सकते हैं। तो अगर हम अचीवमेंट में बात कर लें, तो यार अचीवमेंट में अजलान शाह को जो है उनका सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि उनके चैनल पे 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो यार आज की वीडियो बस यहीं तक थी। तो अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में सी अपनेपन के साथ, कि अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।